देखिए एक बहुत पहले गांव में बीमारी थी, अभी भी चल रही है, मोतिया भी कहते हैं, जिसमें लोगों को पास का दिखता दूर का नहीं दिखता है। और हमको लगता है कुछ लोगों को बहुत दिनों से मोतिया भी हो गया है, लोगों को लगता है पाकिस्तान में ये हो रहा है, इस देश में ये हो रहा है, उसी को देख कर बड़ा खुश हो जाते हैं। पर आप सोचिए मेरे भाई कि आपके घर में आपके बच्चों के साथ, आपके बेटा बेटी के साथ क्या हो रहा है। रोजगार आपको नहीं दिया जा रहा है, जिस रोजगार के नाम पर ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही है, तो दिखाती क्या है कि हम अमेरिका में गए तो पैर छू के हमारा प्रणाम किया गया। उस देश में दिखाया जाता है जहाँ की संख्या उत्तर प्रदेश से भी छोटी संख्या है। बहुत विचारणीय विषय है कि प्रचार प्रसार और रंग कुटाई की ये सरकार, जो केवल रंगाई कुटाई करके अपने आप स्वच्छ बताती है, उसके नीतियों को समझिए। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के सत्ता पर जो बैठे हैं लोग, वो किस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं दोस्तों, उनकी आइडियोलॉजी को समझिए। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार किस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, उससे तुलना कीजिए। जो कार्य वो कर चुके हैं 2017 में ही, 2019 तक हम लोगों ने हर घर जल नल के लोगों के माध्यम से लोगों को जल पिलाना शुरू कर दिया, आज उस कार्य को केंद्र ने अब चालू किया है और कब तक पिलाएगा ये देखने वाली विषय है। मैं अपनी कम शब्दों में बातों को रखता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि मोदियाबीन से बाहर निकला जाए और इस देश में एक अच्छे स्वस्थ सभी के नेता को चुनकर देश के प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया जाए। और उसमें मैं सभी के आप सभी को साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जनता दल यूनाइटेड का साहस आपने बढ़ाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।